अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक विद शवाल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस टी टाइम रेसिपी। एक बाउल में मैश पोटैटो और मैश चना डाल लेंगे, नमक डालेंगे हसब जरूरत, लाल मिर्च पाउडर, अनारदाना, धनिया पाउडर, जीरा 1 टेबल स्पून, हरा धनिया, हल्दी पाउडर, कुटी हुई हरी मिर्च। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करके अपनी मन चाहे कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल कबाब की शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। एक प्लेट में अंडा और ब्रेड क्रम्स ले लें। कबाब पे अच्छी तरह से अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दें। ब्रेड क्रम्स ऑप्शनल है, इसके बगैर भी फ्राई कर सकते हैं। जितनी अच्छी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे उतना ही क्रिस्पी कबाब बनेगा। कोटिंग करने के बाद एक प्लेट में रख दें। एक पैन में तेल लेंगे, कबाब को 2 डिफरेंट कलर्स में फ्राई कर देंगे। मैं एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और एक लाइट गोल्डन कलर ले रही हूँ। आप जो कलर चाहते हैं उसमें फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद सेपरेटली एक प्लेट में निकाल लें और खूबसूरती के लिए धनिया के साथ गार्निश कर दें।